पहली बाइक ऐसी है जिसमें आपको मैं पास से दिखाता हूं, यहां पे 12 डिस्क ब्रेक कह सकते हैं आप, इंजन बंद करने का ऑन करने का, ये टी शर्ट पे देकर ये बाइक ले आ सकते हैं, जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पे विश्वास करते हैं। Hey guys, welcome back, you know, channel, देसी ब्लॉग्स। तो गैस हम यहाँ पे जब भी आते हैं हर बार आपको कुछ नया दिखाते हैं, आज बिल्कुल ही नया है, आप सोच भी नहीं सकते, अभी तक का बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है हमारे सामने और डिमांड भी काफ़ी आ रही थी। हमारे सामने यहाँ पे बाइक, स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं आप इसे, और ये नॉर्मल बाइक नहीं है, ये आपको बता दूँ ये है इलेक्ट्रिक बाइक। अभी तक हमने आपको साइकिल्स दिखाए, स्कूटर्स दिखाए, स्कूटी दिखाए हैं, लोडर दिखाए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज आपको वास्तु इंटरनेशनल के पास यहाँ पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक हम। चलिए बात कर लेते हैं अंडा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज सर बिल्कुल ही जी हाँ स्पेशल प्रोडक्ट हमारे सामने, अभी तक हमने स्कूटर्स दिखाए, लोडर दिखाए, लेकिन आज उससे पहले हमने बाहुबली दिखाया था, उसका कैसे रिस्पॉन्स रहा? अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सेल हो रही है बाहुबली की हमारी। अच्छा, बहुत रिक्वायर्ड और लोग उससे खुश हैं, मॉडल से हमारे खुश हैं। हाँ, खुश काफ़ी 10 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स आ गए हैं उस पर। तो बताइए सर, आज हमारे सामने फर्स्ट टाइम यहाँ पे वास्तु इंटरनेशनल के पास इलेक्ट्रिक बाइक जी, और कलर की बात करें तो काफी प्यारा कलर, डबल कलर है, दो कलर है इसके अंदर, ड्यूल टोन में है। बताइए सर इसकी क्या डिटेल है? सर ये ना लोग भी बहुत डिमांड आ रही थी कि बाइक चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, लोग एक जैसे पेट्रोल की बाइक के क्रेज था वैसे ही इसका क्रेज हो रहा है बाइक का, कि लोग कहते हैं हमें इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए कुछ, तो हमने फिर बाइक एक लेके आए, दो बाइक लेके आए, ये एक छोटी बाइक है। इसमें क्या है, आप एक बार चार्ज करके इसको 100 से 110 किलोमीटर चला सकते हैं इसको। अच्छा, स्पीड डिपेंड कर रही है आपकी इसमें कि स्पीड कौन से पावर मोड में, सेफ मोड में चला रहे हो, स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, किसमें चला रहे हो, ऑयल इसमें, ब्रेक ऑयल, आपको हर चीज़ यहाँ दिखती रहेगी ब्रेक ऑयल। अच्छा, आपको मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ब्रेक ऑयल का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका डिस्क ब्रेक का, ओके यहाँ पे ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक के लिए डबल डिस्क देखिए दोनों तरफ में आपकी सेफ्टी के लिए, डबल डिस्क, एक डिस्क ईयरिंग एक डिस्क हमारी। अच्छी ये अभी तक शायद मेरे ख्याल से किसी में था नहीं, दिखाई नहीं अभी, नहीं ये पहली गाड़ी में आया हमारी, पहली बाइक ऐसी है जिसमें आपको मैं पास से दिखाता हूँ, यहाँ पे 12 डिस्क ब्रेक कह सकते हैं आप यहाँ पे फ्रंट में, और दो लगी है और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक, रियर में सिंगल है, रियर में सिंगल डिस्क है, ओके 3000 वाट की मोटर है ये, पास से दिखाता हूँ मैं आपको, 3000 वाट की मोटर है, देखिए 3000 वाट की मोटर, डबल डिस्क। अच्छा 3000 वाट की मोटर, वाट की मोटर जी, स्पीड के लिए है, ओके इसमें ट्यूबलेस टायर है, ओके ट्यूबलेस टायर है ये आपके, और ये आपका पीछे के सवारी के लिए, जो पीछे की सवारी के लिए फुटरेस्ट हो गया, यहाँ पे फ्रंट के लिए हो गया, ये सिक गार्ड, मजबूत गार्ड दिया है कि कभी भगवान अगर कभी आपकी गाड़ी के स्लीपर कुछ तो ये अच्छा, अच्छा वैसे स्लीपर चांस नहीं है इसमें, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए हमने मजबूत गार्ड दिया कि आपको ये किसी भी दुर्घटना से बचाता है ये। तो मतलब इस बार जो आप कंसेप्ट लेके आए हो सेफ्टी को, सेफ्टी साथ में है, सेफ्टी साथ में फर्स्ट है, अगर है कि मैंने आयरन, इसमें आयरन यूज किया हमने। अच्छा बॉडी में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो इसकी बॉडी है पास से एक बार दिखाता हूँ ये, हाँ जी, तो ये आयरन में है, यहाँ पे आयरन में है ये, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मजबूत क्वालिटी, और फ्रंट में यहाँ पे बात करें यहाँ पे श्योल चार्ज की, यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर ये चार्जिंग, चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग का पॉइंट है, चार्जिंग का पॉइंट है, चार्ज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा फ्यूल के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है तो इसलिए यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये जहाँ चार्जिंग का पॉइंट होगा आपका, ओके और इसमें स्पीड 3 स्पीड है, रिवर्स भी है इसमें। अच्छा इस बाइक की सबसे जो बड़ी खासियत है ये आपको मैं दिखाता हूँ पास से, ये देखो जैसे आपने ऑटोमेटिक कार्स में देखते होंगे यहाँ पे रिवर्स पार्किंग ड्राइव मोड और ये स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, तो ये चार मोड पे आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया, रिवर्स पार्किंग ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड में आपको ये मिलेगी, आप इनमें से चला सकते हैं, यूनिक इसे चला सकते हैं। और बाकी साथ में जो हर बार की तरह हमारे इसमें फीचर्स है, लेकिन ये बाइक फर्स्ट टाइम दिखा रहे तो आपको बता दें ये आपके लाइट का हो गया, हाई बीम लो बीम, हाई बीम का, और ये पार्किंग का, गाड़ी चले गाड़ी पार्किंग का करेंगे आपसे वो दबा दीजिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंडिकेटर का हो गया, ये हॉर्न का हो गया, ओके ये भी हॉर्न का है, और ये आपके लाइट का हो गया, ये लाइट का हो गया, लाइट हो गया, ये इंजन बंद का है, सेफ्टी फीचर ज्यादा रखे हैं। अच्छा, कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत, कोई आपकी बाइक आपकी खड़ी है, कोई स्पीड ना दे दे, तो बंद का हमने दो जगह सिस्टम दे रखा है, आप 3 जगह गाड़ी अपने सिक्योर रख सकते हैं। ओके, तो ये बटन इसलिए यूज किया गया, इंजन बंद करने का ऑन करने का, ये ग्लास साइड ग्लास भी है, अभी ग्लास फिट नहीं हुए, ग्लास फिट कर रहे हैं इसमें, ग्लास हम ओके ग्लास फिट कर रहे हैं इसमें, दो जने सीट बहुत कंफर्टेबल सीट बनाई है, स्पोर्ट्स लुक का ये हमारी, स्पोर्ट्स लुक का ये सीट बहुत कंफर्टेबल बनाई है, कि सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट सीट, कि आप ड्राइविंग करते हुए थकेंगे नहीं ड्राइविंग करते हुए आप। तो आपको एक बार ओवरऑल हम दिखा दें यहाँ पे इस बाइक का जो है, आप फ्रंट से देखें, LED हेडलाइट, हाई बीम, साथ में आपके
एक इग्निशन लाइट समझ लीजिए, इंडिकेटर, इंडिकेटर काफी स्लीक इंडिकेटर, वो स्लीक इंडिकेटर दिया हमें, लुक मतलब कह सकते हैं बाइक का बिल्कुल स्पोर्टी लुक है, स्पोर्ट्स लुक है। एक मीटर देखिए इसका, मीटर का आपको दिखाते हैं पास से, यहाँ पे मीटर, मीटर देखिए, चाबी काफी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है मीटर। और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन लाइट इंडिकेटर का ऑप्शन आएगा, आपका मोबाइल चार्ज, यूएसबी चार्ज, ये देखिए ये पास में आपको पास से दिखाता हूँ, ये यूएसबी का ऑप्शन है। ओके यहाँ पे सर ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ के लिए, इग्निशन के लिए, ये सारा इसमें, और ये बटन दिया गया है, बटन देखिए स्पीड का ही बटन दिखाता है, स्पीड वोल्टेज का, और आपकी बैटरी कितनी बच गई है, ये पूरी बैटरी डिटेल आपको यहाँ देता रहेगा। बैटरी फ्रंट में जो आप ये देख रहे हैं ये भी कॉम्पैक्ट साइज में काफी अच्छे खासे फीचर्स, मैक्सिमम फीचर इसमें दे रखे हैं, फीचर्स दिए गए हैं। 72 वोल्ट की बैटरी डाली इसमें, 72 वोल्ट 40 एम्पीयर डलवा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप 48 वोल्ट डलवा सकते हैं, 50 वोल्ट, 72 वोल्ट, 50 एम्पीयर तक आप बैटरी चला सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जितनी गाड़ी आपको चलानी है तो हम उस हिसाब से अपनी बैटरी एडजस्ट करा सकते हैं। इसकी जो स्पीड है 100 की स्पीड आपको, 90 से 100 की स्पीड है इसकी, इसकी जो रनिंग है रेंज है जो इसकी 80 से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर रेंज है इसकी। अच्छा मतलब आप ये चलाने के, हम इसकी रेंज हमने 120 तक चेक कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी कस्टमर को 80 से 100 की बोलते हैं कि हर एक के चलाने का तरीका है, कोई कौन से मोड में जाता है। अगर आप आराम से स्लो मोड में चलाएंगे, ड्राइव मोड में चलाएंगे, तो आपकी स्पीड, आपकी जो रेंज होगी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको गाड़ी ज़्यादा एवरेज देगी गाड़ी, बिल्कुल सही बात है। डिपेंड है बैटरी की, इसमें 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, बैटरी 2000 साइकिल की बैटरी है, जिसकी लाइफ कम से कम भी 7 साल बैटरी की लाइफ है। अच्छा तो बैटरी इसमें कौन सी यूज़ की है? बैटरी हमने लिथियम फास्फेट यूज़ की है, लिथियम आयन से ऊपर होती है, लिथियम फास्फेट के सर्कल ज़्यादा होते हैं, मतलब साइकिल ज़्यादा होती है, 2000 साइकिल की बैटरी होती है, फर्स्ट के सेल है इसमें। लिथियम आयन बैटरी के बारे में बता, लिथियम फास्फेट, लिथियम एक बम है, आपको आज बताता हूँ, आपको कोई नहीं बात बताएगा, यानी कि अगर आप गाड़ी में लिथियम आयन, लिथियम फास्फेट एक बम की तरह काम करती है। अगर आपने घटिया बैटरी ली, आप कभी बैटरी में वो ICAT अप्रूव्ड का स्टिकर जरूर देखें कि आपकी गाड़ी ICAT गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट लेने के बाद मार्केट में बनी हो। आजकल लोग कहते हैं लोकल बैटरी लगा के गाड़ी का रेट कम करते हैं, लेकिन कई गाड़ी में कंप्लेंट है, आग लगने की कंप्लेंट हमने खुद सुनी है कि गाड़ी में आग लग जाती है, जिसमें आपकी जानों खतरा रहता है। इसलिए कभी भी बैटरी लें, ICAT और ARAI उसका सर्टिफिकेट जरूर देखें, उसके बाद अपनी गाड़ी लें, क्योंकि एक चलता फिर एक बम चल रहा है, बिल्कुल सही बात, बम पे चल रहे हैं आप ये। इलेक्ट्रिक में तो सर ये अपना ये बैटरी इंजन है, बैटरी इंजन है, यानी कि तो बैटरी इसमें लिथियम फास्फेट यूज की गई है। स्पीड सर ने बताई है कि 90 से 120 तक, अगर सेफ चलाते हैं तो, सेफ चलाते हैं और रेंज 90 से 120 किलोमीटर तक गाड़ी आपकी चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी। ओके अब आपको मिलवाते हैं, ये हमारे भिवानी से आए हैं हमारे भाई साहब, अच्छा हम एजेंसी दे रहे हैं भिवानी। चलिए इस वीडियो में आपको कस्टमर रिव्यू भी देंगे। हाँ जी सर, कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया। तो आपने स्कूटी यहाँ से ली है? स्कूटी नहीं, मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ इनकी यहाँ। अच्छा मतलब कि हमारे इन फ्यूचर जल्दी ही आपके प्रोडक्ट 25 तारीख के बाद से भिवानी में भी आपको अवेलेबल हो गए, क्योंकि हमारे को रश बहुत रहता है, हमारे बहुत, हम कई कॉल का जवाब नहीं दे पाते, मैसेज जवाब नहीं दे पाते, तो हम अब फ्रेंचाइज दे रहे हैं, हम सूरत में दे दिए, हमने अहमदाबाद में दे दिया, अब भिवानी में होगी है, बांदा में होगी है, हम कई स्टेट्स में अपनी एजेंसी दे रहे हैं, तो आपको अब हमारे पास हरियाणा में जो होगा उसको हमारे पास आने जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भिवानी से ही हमारे प्रोडक्ट बाइक में आ जा रही है, सभी मॉडल वहाँ अवेलेबल होंगे, आप ले सकते हैं। ये हमारे डीलर है समझे भिवानी से। अच्छा, तो ये हमारे साथ मिलकर, तो कई सवाल भी आते हैं कि डीलर लोकेशन को लेकर इस स्टेट में है नहीं है, तो आप सारे ऑप्शन अभी खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम सारे ऑप्शन धीरे खोल रहे हैं, तो आपको सारा माल भिवानी, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान आपको वहीं पर मिलता रहेगा, आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जल्दी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, ई-कॉमर्स www.seolking.com, उस पर भी आपको हमारे प्रोडक्ट सारी डिटेल मिलती रहेगी। तो हांडा सर ये बताइए कि इसकी जो है, वैसे तो ये दमदार बाइक है जी, जैसे नॉर्मल बाइक देखने को मिलती है स्पोर्टी बाइक, तो इलेक्ट्रिक में भी देखने को दमदारी लग रही है, तो इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है? सर वेट कैपेसिटी आप 500 किलो तक वजन ले सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि इसका ये चेसी बहुत मजबूत चेसी है, बहुत मजबूत चेसी है, तो इसको 500 किलो वजन आप आराम से ले सकते हैं, हैवी से हैवी सवारी इस पर बैठ के अपनी ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आजकल क्या है, आजकल के ये लोग हमारे पास आते हैं, सस्ती गाड़ी दो, सस्ती गाड़ी, देखो नंबर एक कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट करता है, सस्ती गाड़ी के लिए हमारे पास मत आए, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। देखिए सस्ती गाड़ी के लोग इन चेसी लगा रहे हैं, हल्की चेसी लगा रहे हैं, हल्की चेसी क्या होगा, कुछ टाइम आपकी गाड़ी क्रैक होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सही। कई गाड़ी मार्केट बिकती है, कई आते हैं 40,000 गाड़ी हमें दो, हम 40,000 गाड़ी नहीं बनाते, हम गाड़ी की क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, हम कंपनी की, हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, हम रेट सबसे फर्स्ट हमारे लिए क्वालिटी है, फिर हमारे रेट है, हम 100 पीस की जगह हम 5 पीस बेचने को राजी हैं, लेकिन हम क्वालिटी बेचने में विश्वास करते हैं, हम बिल्कुल, अगर किसी कोई भी कस्टमर हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमें 40,000 गाड़ी मिले या 42, हम वो नहीं दे पाएंगे आपको गाड़ी, मतलब बिल्कुल मत आना हमारे पास, आपको अगर क्वालिटी लेनी है तो आप हमारे पास आना, अगर आप क्वालिटी नहीं चाहिए तो आप किसी और के पास चलिए, सिर्फ क्वालिटी के लिए। कहने का मतलब ये क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जीरो मेंटेनेंस हमारी गाड़ी है, जीरो मेंटेनेंस है,
हमने इसकी जो भी कमी है सारी कंपनी, हमने 6 साल इसकी R&D करी है, 6 साल R&D प्रोडक्ट की R&D करी हमने, उसके बाद हमने प्रोडक्ट उतारे हैं। कि आप दुनिया का कोई मॉडल हमें दे दीजिए, हम वो मॉडल आपको दे देंगे, हमको दुनिया कोई मॉडल हमको दे दीजिए, आपको कोई मॉडल चाहिएगा हम आपको मॉडल दे देंगे, हम आपको कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन क्वालिटी आप अगर सस्ते में चीप चाहिए तो हम प्लीज़ हमारे पास बताना, बस आपको क्वालिटी चाहिए आप मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास। बस चलिए ये तो होगी ओवरऑल डिटेल, अब जो मेन, अच्छा सर ये बताइए कि इसका जो प्राइस है जी, अब वो क्या मिलने वाला है यहाँ पे वासु इंटरनेशनल के पास, और क्या इस पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? इसका प्राइस, मैंने प्राइस का कि हमारे पास सस्ता माल नहीं है, हमारी क्वालिटी है, हमारे जो R&D है जो सियोल किंग हमें कोरिया से और ताइवान से हमारी R&D होती है, हमारे इंडिया में ऐसी मशीनें नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट रहते हैं जो हमारे इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं उसकी R&D सियोल हमारी कोरिया में, इसलिए हमने इसका नाम सियोल किंग रखा है, और ताइवान से हमारी सारी R&D ताइवान और साउथ कोरिया में R&D होती है हमारी। तो सर पहले प्राइस से पहले बात कर लेते हैं कि कितना अमाउंट देकर जो है, प्राइस भी बता दीजिए और कितना अमाउंट देकर जो है गाड़ी ले आ सकता बंदा कोई भी डाउन पेमेंट देकर। इसका जो प्राइस है, इसका MRP जो हमारा प्राइस है 176,000 रुपये प्लस 5% GST इसमें, ओके, जिसमें से आपको जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसमें आपको 30,000 से 38,000 की सब्सिडी मिलेगी इसमें आपको। मतलब ये बाइक की बात करें तो 38,000 तक सब्सिडी मिल रही है, हाँ हर स्टेट का अलग हिसाब है, तो 30-38% इसमें सब्सिडी है, अब आप उसमें लेस कर दीजिए आपको गाड़ी अप्रोक्सीमेट 135,000 के आसपास और 5% GST में पड़ेगी आपको, पड़ जाएगी। अच्छा कोई फाइनेंस मिले जाना चाहे, कितने डाउन पेमेंट देकर? डाउन पेमेंट आप इसमें 20% डाउन पेमेंट, आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए, आपके पास एक चेक होना चाहिए, आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो आपकी हम इंस्टॉलमेंट हो जाएगी यहाँ HDFC से, IDFC से और बजाज फाइनेंस से, अपना कोई हमारा कोई प्रोडक्ट आप फाइनेंस करवा सकते हैं। मिनिमम कितने पेमेंट देकर बात करें? आप लगा रहे 30,000 में आपकी, 30,000 देके अब बाकी आप दो साल या एक साल, दो साल, तीन साल की इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं, करा सकते हैं 30,000 रुपये देकर ये बाइक ले आ सकते हैं, उसके बाद जो है पेमेंट आगे की बनी होगी। बैटरी अपने हिसाब से बनवा सकते हैं आप, अगर आपको बैटरी छोटी बनवानी है, कुछ बड़ी बनवानी है, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। तो चलिए ये तो रहे आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक का हमने ओवरऑल फीचर्स बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका इसका हम रिव्यू बता देंगे, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके दिखाएंगे कैसी चलती है ये, क्या स्पीड रहती है, तो उसका वेट करें। और इससे इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे बाइक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स ओवरऑल बताएंगे, ये जो फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे।